हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सारे? आशा करता हूँ सभी को ठीक होंगे, दुरुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का आपका चैनल वाई फाई डिफेंस का पार्ट है। आपको अपने कार्ड ग्रुप को देता है आपको इंडिया के बेस्ट ऑफ डिफेंस एजुकेशन। स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून है वैसे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि और बच्चों को इसके बारे में पता चले और बच्चे इस सेशन को देखें। ठीक है, देखिए आपका सीडीएस और जो आपका सीपीएफ एग्ज़ाम है वो आने वाला है बस, तो उसके लिए ये हमारी तरफ से एक छोटी सी मुहिम है, ये कह सकते हैं कि एक छोटा सा इनिशिएटिव है ताकि हम आप लोगों की हेल्प कर पाएँ जितनी हम कर सकते हैं एट नो कॉस्ट इन्वॉल्व। ऐसे एग्जाम्स पे, क्योंकि अगर आप देखें कि यूपीएससी सीडीएस और सीएपीएफ दोनों ही आपके यूपीएससी कंडक्ट करवाता है और जो पेपर यूपीएससी कंडक्ट करवाता है उसका लेवल एक स्तर ऊपर चले जाता है बाकी सारे एग्जाम से। दूसरी चीज़, यूपीएससी जब कंडक्ट करवाता है तो उसके पास एक क्वेश्चन बैंक कॉमन होता है और आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो जो क्वेश्चन आपको सीएपीएफ में को देखने को मिल रहे हैं वही सेम क्वेश्चन आपको क्या पता आपके सीडीएस के पेपर में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि सीडीएस और आपका सीएपीएफ दोनों कौन करवाता है? आपका यूपीएससी। और आपको अगर याद हो तो यूपीएससी एक और पेपर कराता है, उसका नाम होता है आपका एनडीए का, तो एनडीए के भी कुछ क्वेश्चंस आपको कभी एक बार सीडीएस और सीएपीएफ में देखने को मिलते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आने वाला है, आप क्योंकि तैयारी कर रहे हैं सीडीएस और सीएपीएफ की, वो बहुत ही कोवेटेड पोस्ट है, इससे आप डिफेंस में जाते हैं और इससे आप सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में यानी आप आर्म फोर्सेज में जाते हैं, आर्म्ड पुलिस में जाते हैं। दोनों अपने आप में बहुत ही बेहतरीन जॉब्स हैं, बहुत ही अच्छी, और बहुत लोग इसके लिए लड़ते हैं, लेकिन फॉल्टर कहाँ होते हैं? क्योंकि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करते, उन्हें पहले के ट्रेंड का नहीं पता होता, उन्हें ये नहीं पता होता किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ, साथ ही साथ अगर आप टॉपिक्स आप पढ़ चुके हैं लेकिन अगर आपको रिवाइज करने हैं कुछ सब्जेक्ट्स, तो आप क्या कर सकते हैं? देखिए, स्पेशल क्लासेस का आपको मैं बता दूँ, स्पेशल क्लासेस का सिस्टम एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है, क्योंकि वहाँ पे जो कैंडिडेट आता है बहुत सीरियस है और प्लस स्पेशल क्लासेस आपके लिए फ्री हैं। फ्री होने के साथ साथ, चलो फ्री तो यार बहुत चीज़ें, फ्री तो आपको यूट्यूब भी है, लेकिन उसके साथ साथ आपको नोट्स मिलते हैं, पीडीएफ मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको एक्स्ट्रा नहीं देना, और जो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखता हूँ ना वो आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में वहाँ मिल जाती है। तो मैंने वहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ठीक है, नहीं प्रखर, मेरी कोई सीरीज कभी भी इन बिटवीन नहीं स्टॉप होती, हमेशा बिल्कुल मैं ख़त्म करता हूँ। आप बाकी एजुकेटर्स के बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता, बट मेरी सीरीज कभी भी स्टॉप नहीं होती। मैं पिछले 5 से 6 साल के जितने सारे पेपर हुए हैं सी ए डी एस सी ए पी एस सारे सॉल्व करवा के ही आपको दम तोड़ूंगा। ठीक है, और आप स्पेशल क्लासेस को ज़रूर देखें। स्पेशल क्लासेस में मैंने आपकी, अगर मैं बताऊँ, मैंने हिस्ट्री पूरी कंप्लीट करवाई है, पॉलिटी पूरी कंप्लीट करवाई है, इकोनॉमिक्स पूरी कंप्लीट करवाई है, और उसके साथ साथ मैंने ज्योग्राफी भी पूरी कंप्लीट करवाई है। तो स्पेशल क्लासेस में आके आप देख सकते हैं, स्पेशल क्लासेस में आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है, और मैंने मैराथन्स लिए हैं, तो आपका ये एक तरीके से क्रैश कोर्स की तरह आप उसे देख सकते हैं, और साथ साथ आपका प्रीवियस ईयर आपका चल ही रहा है, तो बस लग जाइए। अब बच्चे पूछते, सर आपको सर कैसे यूज़ करना अन अकाडमी को? देखिए, आप चले प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाके अपना सर्च करेंगे अन अकाडमी प्लस सॉरी लर्निंग ऐप, अपने आप को रजिस्टर करेंगे और फिर मेरी प्रोफाइल प्रवीण दत्ता पर जाके देख सकते हैं जो सारे मैंने क्लासेस ली हैं जीके के, क्योंकि आपको पता होगा सीडीएस और सीएपीएफ ऐसे पेपर है कि वहाँ पे जीके का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, तो जीके अच्छे खासे वेटेज के आती है। हाँ तो नहीं राहुल, 10 ईयर्स का ना फायदा नहीं होता, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो चुका है। अगर अब मैं बात करूँ पिछले 5 साल की, 5 ईयर्स की बात करूँ, तो 5 साल में आपके 15 पेपर हो गए हैं, 5 सीएपीएफ के और 10 सीडीएस के। तो मैं अगर आपको 15 पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, मैं अगर आपको 15 पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, मतलब मैं लगभग आपको 2500 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, 2500 एमसीक्यूज में आपको करवाने वाला हूँ, तो बहुत होते हैं यार 2500 क्वेश्चन, 2500 क्वेश्चन बहुत होते हैं आपको। इसके साथ साथ मैं थ्योरी और टॉपिक भी बता रहा हूँ उसका कि वो किससे क्या होगा, तो अच्छे क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप चाहते हो तो मैं आपको 10 साल करवा दूँ, लेकिन आपके ऊपर ही बर्डन पड़ेगा, मेरे को कुछ नहीं, मेरे को तो आना है, क्वेश्चन करवाने हैं, एट द एंड आपको चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, बाकी अगर आप और बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको अनअकैडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन लेनी चाहिए। ये सब आपको सी एस सी लिखा है यहाँ पे, SSC, बैंक, रेलवे, डिफेंस, IDJEE, नीट, +2, +1, +3, अब तो 6 स्टैंडर्ड से भी हो गया है, तो आप ज़रूर देखें जाके। आप ऐसे बहुत सारे कैटेगरीज में, जैसे मेरे कोर्सेज आपके डिफेंस की कैटेगरी में चलते हैं, बहुत जल्दी मैं दूसरे कैटेगरीज में आ जाऊँगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं NDFO सेक्शन में और आपको CDS आपका CFF में पढ़ाता हूँ।
100 से ज़्यादा एजुकेटर, 1000 से ज़्यादा कोर्सेस, लाइव क्विजेस, टेस्ट सीरीज वगैरह वगैरह बहुत चीज़ आपको मिलती हैं। देखिए कोड आपको लगाना है प्राणाफ्रेंड। मैं प्राणाफ्रेंड लगाने को इसलिए बोलता हूँ बच्चों को क्योंकि प्राणाफ्रेंड से ना केवल आपको 10% डिस्काउंट जो कि एक मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलता है बल्कि आपको मेरी पर्सनल मेंटरशिप भी मिलती है। पर्सनल मेंटरशिप के लिए मैं क्या कहूँ, पर्सनल मेंटरशिप से मतलब आपके लिए टाइम टेबल, कौन सा पेपर करना है, कौन सा नहीं, कौन से कोर्स में एनरोल होना है नहीं, बाकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या आपको कैसे पढ़ना है, सब आपको बताया जाता है। कॉस्ट बहुत नॉमिनल है, यही आपकी CTS आपका तो CAPF की है। मैं 1, 3 और 6 मंथ का बिल्कुल प्रेफर नहीं करता, मैं हमेशा आपको 12 और 24 मंथ का कहते हैं क्योंकि आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी है बहुत अच्छे से। प्लान टू 10 का कोड लगाने से देखो अगर आप मैं 1 मंथ और 6-12 मंथ का करूँ कंपेयर टू 58% तक आपको छूट मिलती है। प्लान टेन का आपने कोड लगाया, पे करेंगे 6, 12 और 24 मंथ के लिए आपको 0% EMI है, यानी आपको सिर्फ 600 रुपये पर मंथ, यानी अगर मैं देखूँ तो 20 रुपये पर डे और 12 रुपये पर डे के हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। कोड जरूर प्रंट पेन लगाइए, बाकी की अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहते हो तो आप मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अब एक क्लास, ये भी क्योंकि बताना जरूरी था। आज आपके लिए जो मैं पेपर लेके आया हूँ वो है आपका CDS का एग्जाम नंबर 1 2018 का, मतलब 2018 का जो आपका पेपर हुआ था CDS का, मैं उसके लिए पेपर लेके आया हूँ आपके लिए। और देखते हैं कैसा पेपर था, क्या था, कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, सब देखेंगे आपके आपके सामने ही सॉल्व करेंगे और आपके सामने सबको देखा जाएगा। ठीक है आइए ओके देखिए पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। अब देखो मैं पेपर इसलिए बता रहा हूँ, मेरे को कोई हिंदी इंग्लिश नहीं करेगा, टाइम कम है इसलिए जल्दी करवाना है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप अपने साथ साथ या तो CDS का पेपर 1 कहीं से कोई बुक है तो उसको दे ले लो या डाउनलोड करके रख लो, उसे खोल के रखो अपने साथ। हिंदी के क्वेश्चन पहला सवाल यह आपका फिजिक्स का था तो इसको हम करेंगे नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री का ये आपको रवि सर करवा रहे हैं। फिजिक्स ये भी केमिस्ट्री का था, ये भी केमिस्ट्री का था और ओके 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 ठीक है। अब आते हैं यहाँ से आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को आप समझ लेना, ये क्वेश्चन को आप समझना कि इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। क्या कह रहा है कि एक हमारी स्टेटमेंट है 1, एक हमारी स्टेटमेंट है 2, दोनों स्टेटमेंट को पढ़ना है और जो कोड है उसको लगाना है। ए का मतलब है दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं और जो दूसरी स्टेटमेंट है, जो सेकेंड स्टेटमेंट है, वो पहले की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। जैसे कि मैं बोलूँ कि माई नेम इज प्रणव दत्ता और दूसरा ऐसा लिखा हो कि मेरा नाम प्रणव क्यों है, तो वो बता रहा है। बी कह रहा है दोनों अपने आप में इंडिविजुअली यानी अकेले अकेले तो ठीक है लेकिन दूसरी स्टेटमेंट पहले की सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, यानी सही से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। सी कहता है कि स्टेटमेंट 1 true है लेकिन स्टेटमेंट 2 फॉल्स है और डी कहता है स्टेटमेंट 1 फॉल्स है लेकिन स्टेटमेंट 2 true है। तो वो हम देखते हैं। स्टेटमेंट 1 कहता है By far the most common topographic form in a cast terrain is a sinkhole. Cast terrain के बारे में मैं बता दूँ, जहाँ पे आपका deposition नहीं होता, ना erosion होता है, पानी आता है, बह के पूरी सतह को अपने साथ ले जाता है, तो उसे हम cast topography बोलते हैं। Sinkhole का मतलब होता है जैसे ये आपकी सतह है, यहाँ पे एक आपका hole type का आएगा और नीचे आपके पानी पानी है, ठीक है, पानी ही पानी है। आपने बहुत जगह बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा कि आपका पूरा पानी है, हर जगह पूरा आपका पानी है, लेकिन यहाँ पे एक आपका सिंक होल आएगा जिसमें अगर आप कूदेंगे तो आप उस वाटर लेवल से भी नीचे चले जाएंगे, आप उस वाटर लेवल से भी नीचे चले जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका सिंक होल हुआ। ये पहली स्टेटमेंट कह रहा है कि कास्ट टोपोग्राफी में सबसे जो कॉमन फीचर है वो आपका एक सिंक होल है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है टोपोग्राफिकली अ सिंक होल इज अ डिप्रेशन दैट वेरीज इन डेप्थ फ्रॉम लेस देन अ मीटर टू अ फ्यू हंड्रेड मीटर्स। देखो मैं देखती बता सकता हूँ कि दोनों स्टेटमेंट आपकी इंडिविजुअली ठीक है, दोनों स्टेटमेंट आपकी इंडिविजुअली ठीक है, ओके दोनों स्टेटमेंट आपकी इंडिविजुअली ठीक है, सही इसने बताया सिंक होल एक वो डिप्रेशन होता है जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन क्या आपको ये बता रहा है दूसरी स्टेटमेंट कि हमारे कास्ट टेरेन में सिंक होल क्यों कॉमन है? कि आपको ये बताया जा रहा है कि कास्ट टेरेन में क्यों सिंक होल कॉमन है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, इसका आंसर बताइए। क्या आपको किसी भी तरीके से ये बताया जा रहा है कि कास्ट टेरेन में सिंक होल कॉमन क्यों है बताइए? गुड आफ्टरनून बताइए बिल्कुल नहीं बताया जा रहा, तो इसलिए इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। श्याम जी तिवारी जी प्लस सर्फेक्शन लेकर टॉप कर सकते हैं आप क्योंकि वहां आपको स्ट्रक्चर फॉर्मेट में
गाइडेंस के साथ पढ़ाया जाएगा। मेरे को यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नहीं, लेकिन वही एक आपका जरिया है। ठीक है, इसका आंसर क्या है आपका? बी, दोनों अपने आप में सही है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, लेकिन ये ना इसको सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगला स्टेटमेंट, इनसाइज मैंडर्स आर फॉर्म्ड इन द मेस्योस फेज ऑफ रिवर, इनसाइज मैंडर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय रिजुवेनेशन एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंड। मियांडर क्या होता है? आपकी नदी ऐसे बहती है, आपकी नदी ऐसे बहती है, तो ये जो आपके कर्व आए ना, ये जो आपके कर्व आए, इन्हें हम कहते हैं आपका मियांडर, इन्हें हम कहते हैं आपका मियांडर। ठीक है, वी कॉल देम एज मियांडर्स। ठीक है, दूसरा इनसाइज क्या होते हैं? इनसाइज होते हैं जो फिर से जन्म लेते हैं एक तरीके से। आपकी ये रिवर ऐसे आई और अचानक से फिर ये ऐसे ऐसे फिर से होने लगी, तो इसे हम कहते हैं इनसाइज मियांडर। ये कह रहा है जो इनसाइज मियांडर्स होते हैं, ये जो आपकी लचक होती है नदी में, वो एक मैच्योर स्टेज में आती है नदी के। मैच्योर स्टेज मतलब जब नदी आपकी प्लेन्स में आ जाती है और वो आराम से बह रही है, स्पीड ज़्यादा नहीं है, आराम से बहती जा रही है, बहाव उसका बहुत आराम से, तो वो आपके एक मैच्योर स्टेज में आती है। ठीक है, ये अपने आप में ट्रू है। दूसरा कहते हैं इनसाइज मियांडर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय रिजुवेनेशन एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंड, बिल्कुल ठीक कहा। रिजुवेनेशन मतलब क्या? पानी फिर से तेज बहेगा, फिर से इस साइड निकलेगा, तो ये जो आपका लैंड है वो रिजुवेनेट होगा। जब इस साइड बह रहा है तो जो भी सैंड सिल्टन क्ले है वो यहाँ भी डिपॉजिट होगा, यहाँ भी डिपॉजिट होगा, तो बिल्कुल हाँ, जब डिपॉजिट होगा, जब आपकी मिट्टी एक सतह के ऊपर आती है तो आपका अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंड होता है, तो ये भी बिल्कुल ट्रू है। तो इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि ये बता रहा है कि हाँ इनसाइज मियांडर्स क्या होते हैं वो पहले में पता चल गया, और इनसाइज मियांडर्स से क्या होता है और क्यों वो मैच्योर स्टेज में आते हैं बिल्कुल बता रहा है। तो दोनों आपने इसमें ट्रू और दूसरा सही एक्सप्लेन कर रहा है फर्स्ट को, तो इसलिए ये इसका आंसर ए हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। अगला सवाल आपका, पोर्शंस ऑफ ग्लेशियल ट्रफ्स में एग्जिबिट रिमार्केबली फ्लैट फोर्स। अब ट्रफ क्या होता है? देखिए, आपका एक बर्फ का गोला है, ठीक है, या बर्फ का आपके कह सकते हैं कि एक समूह हो गया है बर्फ का, और वहां पे बर्फ जमा हो गई है। जब ये मेल्ट होगा तो जो इसके नीचे का लैंड है, वो बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएगा, सही है। अब देखो, मैंने एक लैंड पे बहुत ज्यादा वेट रख दिया, जब यहाँ से वेट हटाया जाएगा तो ये बिल्कुल ही फ्लैट होगा। देखते हैं ना, जब आपकी कोई चीज़ मुड़ जाती है तो मम्मी क्या करती है, उसे किसी भारी चीज़ के नीचे रख लेती हैं कि मेरे को सीधी चीज़ करनी है। जब आप प्रेस करते हो तो कोई चीज़ आप प्रेशर लगा रहे हो, वैसी जब इस चीज़ पर प्रेशर लगेगा तो बिल्कुल ही फ्लोर आपका फ्लैट हो जाएगा, सतह बिल्कुल ही स्मूथ हो जाएगी। तो यस, ये फ्लैट फ्लोर्स को एग्जिबिट करती है। अगला, फ्लैट फ्लोर इन अ ग्लेशियर ट्रफ इज प्रोड्यूस बाय यूनिफॉर्म ग्लेशियल एरोजन, बिल्कुल ठीक कहा इसने। जब आपकी वो सतह के ऊपर से बर्फ पिघलेगी तो वो आराम आराम से पिघल पिघल के वो वहाँ से ख़त्म हो जाएगी, तो इसलिए आपको एक फ्लैट फ्लोर मिल जाएगा। तो बिल्कुल ठीक कहा, ये भी अपने आप में ट्रू, लेकिन क्या ये वाली स्टेटमेंट इस वाली स्टेटमेंट की सही एक्सप्लेनेशन है? बिल्कुल नहीं। क्या ये वाली स्टेटमेंट इसके बारे में नहीं बता रही है? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। बाकी के एग्जाम्स और CDS और ND के और आपके CPFA के एग्जाम में यही डिफरेंस है कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे आपको सिर्फ नॉलेज नहीं, जहाँ पे आपको अपना लॉजिक भी यूज़ करना पड़ेगा, और अगर आप लॉजिक यूज़ नहीं करेंगे तो आई एम सॉरी, आपका CDS और CPFA पेपर मतलब अच्छा जाना बहुत मुश्किल है। मैं क्लियर होने की बात नहीं, क्लियर तो हो गई, लेकिन जाना मुश्किल है। इन टुंड्रा क्लाइमेट बायोडाइवर्सिटी इज कंपैरेटिवली लेस, टुंड्रा क्लाइमेट हैज लेस रिप्रोडक्टिव वार्म पीरियड। 15 का आंसर क्या होगा? देखिए, टुंड्रा क्या होता है? सिंपल सी चीज, वेरी कोल्ड है। अब जहां पे बहुत ठंड होगी तो क्या वहां पे बायोडाइवर्सिटी यानी फ्लोरा एंड फौना होगी? बिल्कुल नहीं। क्या वहां पे जितनी मार्को जंगलों में दिखती है क्या वहां पे होगी? बिल्कुल नहीं। तो बिल्कुल ये अपने आप ट्रू स्टेटमेंट है। दूसरा, ये कह रहा है टुंड्रा क्लाइमेट हैज लेस रिप्रोडक्टिव वार्म पीरियड। आपने देखा होगा जब जो जानवर और जो आपके पेड़ पौधे होते हैं, जो उनका रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है वो आपके समर्स में आता है जब वो ब्रीडिंग करते हैं। तो जब वहाँ पे आपकी ठंड है और ब्रीडिंग पीरियड बहुत छोटा है तो क्या वहाँ पे हम और जीव जंतुओं को जन्म दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ये भी अपने आप में ट्रू स्टेटमेंट है। और जी हाँ, जब आप चीज़ों को कम जन्म दे रहे हैं, जब कम चीज़ें वहाँ पर जन्म ले रही है,
तो बिल्कुल ये ठीक बात कही आपने कि वहाँ पे आपका कंपैरेटिवली लेस बायोडाइवर्सिटी होगी, बिल्कुल इसका आंसर आपका ए होगा, इसका आंसर आपका ए होगा। मेरे को पता अभी बहुत बच्चों को दिक्कत हो रही है क्योंकि ना आपने वैसी चीज़ें पढ़ी हैं और ना आपने ऐसे क्वेश्चंस करे हैं, ठीक है। अभी भी टाइम है, आप जाके स्पेशल क्लासेस से क्रैश कोर्स की तरह अपना पोर्शन कंप्लीट करें, फिर इन क्वेश्चंस को ज़रूर देखें, ठीक है, इन क्वेश्चंस को ज़रूर देखें। अगला, टाइड्स आर द राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल्स कॉज बाय कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेज एक्सर्टेड बाय द मून एंड सन एंड द रोटेशन ऑफ द अर्थ। द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। सोलवे का सिंपल सी बात पता लग रही है। पहली बात यह अपने आप ट्रू है कि हाँ, पृथ्वी हमारी आपके पश्चिम से लेके पूरब तक घूमती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, पश्चिम से लेके पूरब तक आपकी पृथ्वी घूमती है, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा इसमें, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर टाइड्स क्या होती है, ये भी आपने ठीक बताया कि जो टाइड्स होते हैं ना, समुद्र लहरें, तो बिल्कुल ठीक बताया। लेकिन क्या टाइड का इस स्टेटमेंट से कुछ लेना देना? नहीं। अगर यहाँ लिखा होता टाइड्स आर फॉर्म ड्यू टू द अर्थ रोटेशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तब मैं कहता कि हाँ, दोनों आप में इसमें ट्रू, लेकिन बी ए को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, यानी स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट वन की सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसकी वजह से ही इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसकी वजह से ही इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। ओके, यू कैन इजिली क्रैक एनडीए 2022 वेरी इजिली। चलिए, ये आपका एक बायो का क्वेश्चन हो गया, इसको हम नहीं करेंगे, ठीक है। और ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये एक आपका एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन आपका एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से हो गया, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, बायो एक्यूमुलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ हैवी मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स इन एन ऑर्गेनिज्म। लार्ज फिशेस ऑफ द पॉन्ड्स आर फाउंड टू हैव हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स दैन प्लैंकटॉन्स ऑफ द सेम पॉन्ड। मेथड इज वेरी इजी, दैट यू हैव टू गेट द अनअकैडमिक सब्सक्रिप्शन, ओके, दैट यू हैव टू गेट द अनअकैडमिक सब्सक्रिप्शन, बिकॉज व्हेन यू गेट द अनअकैडमिक प्लस सब्सक्रिप्शन, यू नॉट ओनली गेट टू कवर द होल कोर्स, यू गेट टू कवर द होल कोर्स इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर अलॉन्ग विद द प्रोसेस ऑफ द SSB ऑल्सो। Use the code PRANAF10 and through that you not only get a 10% discount but you also get to be my student and you get to use me as a personal mentor. Okay, that is good. अब देखो bioaccumulation क्या होता है, बहुत एक अच्छा process है, मैं आपको समझा देता हूँ। Food chain सबको पता होगा, food chain सबको पता होगा, ठीक है। यह आपकी मान लो एक insect है, अब insects बहुत सारे हैं, उस insect को कोई bird खाएगी, ठीक है। जैसे मान लो ये आपके अर्थ वॉर्म है, अर्थ वॉर्म, उस अर्थ वॉर्म को आपकी बर्ड हैन ने खाया और उस हैन को हमने एज ह्यूमंस ने खा लिया। मान लो यहाँ पे 1000 इंसेक्ट थे, ठीक है। 1000 इंसेक्ट में 1 मिलीग्राम या 0.1 मिलीग्राम ऑफ कोई एक मेटल था, हैन ने 1000 इंसेक्ट खाए, हमने इंटू 2 बर्ड्स खाई, यानी हम तो जितना जब तक हमारे पास आ रहा है वो एक्यूमिनेट होता जा रहा है, ठीक है, एक्यूमिनेट होता जा रहा है। एक इंसेक्ट में 0.1 mg, एक बर्ड में उससे ज़्यादा और एक ह्यूमन में उससे भी ज़्यादा। तो बायो एक्यूमिलेशन होता है इस प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव एक्यूमिलेशन ऑफ हैवी मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स इन एन ऑर्गेनिज्म। जितना जहाँ यहाँ पे था उससे कई ज़्यादा यहाँ पे, उससे कई ज़्यादा यहाँ पे, तो प्रोग्रेस हो रहा है। दूसरा इसमें यह क्या है कि लार्ज फिशेज ऑफ द पॉन्ड्स आर फाउंड टू हैव हायर कॉन्सेंट्रेशन, बिल्कुल ठीक का। फिशेज प्लैंकटॉन्स को खाती हैं, फिशेस प्लैंकटॉन्स यानी जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं पानी में, उन्हें खाती हैं, तो फिशेस में ज़्यादा एक्यूमुलेशन होगा, फिर उन मछलियों को हम खाते हैं, तो बिल्कुल इसमें ठीक है, ये भी ट्रू अपने आप में, ये भी ट्रू, ये आंसर बिल्कुल आपका ए हो जाएगा। देखिए कोई ऐसी कोई बुक अच्छी नहीं है अबीर साये जी, कोई ऐसी कोई बुक अच्छी नहीं, अगर आपको कोई बुक कहता है तो मतलब वो आपको उसे बेवकूफ़ बना रहा है। एक बुक से कुछ नहीं होता, बहुत बच्चों तो आपके पाथफाइंडर से पढ़ के सोचे हो जाएगा पेपर क्लियर, फिर रोते रोते एग्जाम के बताते हैं। ये आपका बायो का क्वेश्चन है, इसको छोड़ेंगे, ये भी आपका बायो का, बायो बहुत आसान आती है, अगर आप लास्ट 5 to 6 years के अगर आप क्वेश्चंस भी कर लेंगे वो भी आपके लिए बहुत है, उसको ज़रूर करें, ठीक है, उसको ज़रूर करें लास्ट 5 years के। चलो अब ये वाला करते हैं,
विच आर द फॉलोइंग कॉजेस एडियाबेटिक टेम्परेचर चेंजेस इन एटमॉस्फेयर? डिफ्लेक्शन एंड एडवेक्शन, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ द एयर, पार्शियल एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर रेडिएशन बाय द एटमॉस्फेयर। कौन सा क्वेश्चन होगा इस, मतलब कौन सा इसमें से आपका ऑप्शन होगा 24th का? देखिए, एडियाबेटिक होता है जब आपका फ्लो होता है, जब आपका हीट का फ्लो होता है यहां से यहां, ठीक है, एडियाबेटिक। एटमॉस्फेरिक होता है जब आपका ऊपर से नीचे होता है, एडियाबेटिक होता है जब आपका ऐसे फ्लो होगा। अब देखिए, डिफ्लेक्शन और आपका एडवेक्शन, तो ये आपका वर्टिकल उसमें हो गया स्पेयर में, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन होगा नहीं, एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ द एयर होगा। एक्सपेंशन मतलब आपकी हवा एक्सपैंड हो रही है जब वो हीट हो रही है, और कंप्रेस हो रही है जब वो ठंडी हो रही है। एक्सपैंड हो रही है जब वो हीट हो रही है, कंप्रेस हो रही है जब वो ठंडी हो रही है, तो उसकी वजह से तो आपका एडियाबेटिक होगा जब आपका ऐसे ऐसे होगा एक्सपेंशन और आपका कंप्रेशन, तो इसलिए इसका आंसर आपका सी होगा। देखिए, ये सब चीज़ें आपको डरना नहीं है, देख के जिस टर्म में डाउट है उसके जाकर पढ़ो। देखो, प्रीवियस ईयर से आपको ये पता लगता है, प्रीवियस ईयर से हमें एक चीज़ पता चल गई कि कुछ टर्म्स इधर एक आपके एडियाबेटिक। अब आप बहुत बच्चों को एडियाबेटिक टेम्परेचर चेंज के बारे में नहीं पता होगा, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। बच्चों को ये नहीं पता होगा जब अब ये सारे क्वेश्चंस करें, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसी में हेल्प करता है कि आपको ये बताता है कि मेरे को कौन सा टॉपिक में दिक्कत है और कौन सा टॉपिक में दिक्कत नहीं है, तो आपको वही चीज़ अब करनी है, ठीक है। बाकी अगर किसी को कोई और डाउट है तो पूछिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए अगला, विच अदर फॉलोइंग इज एप्लीकेबल टू कोलिजन कोलेसेंस प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन। देखिए, प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, ना केवल आपकी बारिश बल्कि आपकी स्नोफॉल, मिस एक्सेट्रा, ठीक है। तो कोलिजन कोलेसेंस प्रोसेस में कौन सा एप्लीकेबल होगा? क्लाउड्स विच डू नॉट एक्सपेंड बियॉन्ड द फ्रीजिंग लेवल, ओके, क्लाउड्स विच एक्सपेंड बियॉन्ड द फ्रीजिंग लेवल। देखो यार, अपने आप में दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्टरी होगी, ठीक है। ऑल टाइप्स ऑफ क्लाउड नहीं हो सकते, सरोक्यूमुलस ये भी नहीं हो सकते, इसका आंसर आपका सब ए होगा, जो क्लाउड आपके फ्रीजिंग लेवल से बियॉन्ड नहीं जाते, इसलिए इसका आंसर आपका ए होगा प्रेसिपिटेशन में, ठीक है। अगला, अगर आपको ऐसे टर्म्स पर डाउट है तो आप वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करें कि सर मेरे को ये कोलिजन कोलेसेंस नहीं समझ में आया, सर मेरे को ये प्रेसिपिटेशन में डाउट है, सर ये मेरे को जो आपका एडियाबेटिक प्रोसेस है सर उसमें डाउट है, तो आप ज़रूर मेरे को बताइए, तो मैं उन ज़रूर टॉपिक्स को ज़रूर उठाऊंगा और मैं उन वर्ड्स को ज़रूर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। एक डाउट सेशन ले लेंगे ज़रूर, तो जो आपको जिस भी टर्म में डाउट है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जिस भी टर्म में आपका डाउट है, क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर है, आप इंटरेक्ट कर नहीं रहे, तो मेरे को पता नहीं आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। जैसे आपको कास्ट ट्रेनिंग नहीं समझ में आया, सर ये टोपोग्राफी क्या होती है, सर ये सिंक होल क्या है, सर ये मियांडर्स क्या होते हैं, इनसाइज का मतलब क्या है, तो आप मेरे को ज़रूर बताएं वर्ड, सर ये आपका ग्लेशियल ट्रफ, ग्लेशियल एरोजन, फ्लैट फ्लोर्स क्या हैं, तो मैं आपको ये ज़रूर वर्ड्स बताऊंगा। सर ये टुंड्रा क्या है, बायोडाइवर्सिटी, चलो वो तो बहुत आसान है, सर ये टाइड्स क्या होते हैं, सर अर्थ की रोटेशन क्या होती है, ये ज़रूर अगर आपको इसमें डाउट है तो ज़रूर मेरे को बताइए। सर ये फिर आपका जैसे बायो एक्युमुलेशन है, अगर आपको किसी भी ऐसे वर्ड में डाउट हो तो आप ज़रूर मेरे को बताइए। आप जब तक बताएंगे नहीं, मेरे को लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है और मैं आपको क्वेश्चन करवाते चले जाऊंगा, लेकिन अगर आपको कोई डाउट है तो ज़रूर मेरे को बताइए, कमेंट में लिखिए, तो फिर मैं आपकी हेल्प करूंगा, मैं उन वर्ड्स के ऊपर ज़रूर आपके लेक्चर लूंगा और आपको वो वर्ड ज़रूर समझाऊंगा, ठीक है। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ इंडिया एक्सपीरियंसेस हाईएस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग विंटर्स? जैसलमेर, लेह, चेन्नई, गुवाहाटी। अब देखो, टेम्परेचर वहाँ सबसे ज़्यादा जहाँ पर आपकी ठंड सबसे ज़्यादा, ठीक है, सॉरी, जहाँ पे आपकी गर्मी सबसे ज़्यादा, ऐसे होने क्या हो, हाँ ठीक है, ठीक है।
इसका आंसर क्या होगा आपका? जैसलमेर। जैसलमेर इसका आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, तो हाँ बिल्कुल ठीक है, हाईएस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर विंटर्स में कौन एक्सपीरियंस करता है सबसे ज़्यादा, वो आपका जैसलमेर है, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस सबसे ज़्यादा आपका जैसलमेर में ही होगा। नहीं, इसका लिए नहीं होगा प्रखर जी, इसका लिए नहीं होगा, ओके, इसका लिए नहीं होगा। ओके चलो, किसी ने तो डाउट पूछा। दो मिनट रुकी है, या तो आंसर की गलत है, एक सेकंड बस। इसका आंसर गलत है प्रखर जी, आप ठीक थे, इसका आंसर आपका गलत है, ठीक है, इसका आंसर आपका गलत है, ये जैसलमेर नहीं है 26 का, ठीक है, इसका आंसर आपका ले होगा, ठीक है, ये यूपीएससी नहीं, आपने आंसर की में गलत दिया था, इसका आंसर आपका ले होगा, क्योंकि टेम्परेचर सबसे ज़्यादा नहीं, सबसे कम आपका किस में होगा, आपका ले में, ले में आपका टेम्परेचर सबसे कम, और जहाँ पर टेम्परेचर सबसे कम वहाँ पर आपका प्रेशर सबसे ज़्यादा, प्रेशर सबसे ज़्यादा, ठीक है, या तो इन्होंने समर पढ़ के दे दिया है, क्योंकि समर्स में भी नहीं यार, समर्स में भी ले ही होगा, जैसलमेर का नाइट इन्वर्जन का भी नहीं हो सकता, डेजर्ट है, लेकिन ले भी अपने आप में डेजर्ट है, इसका आंसर आपका ले ही होगा, समर हो विंटर हो आपका आंसर ले ही होगा। ये आपके आंसर की में गलत दिया हुआ आंसर, बहुत यूपीएससी का आंसर की में भी गलत है, इसका आंसर आपका ए नहीं होगा। अब यूपीएससी ने किस लॉजिक से करा है वो से लॉजिक बताना चाहिए था, इसका ए नहीं है, इसका 110% आपका बी है ले, आप मार्क करके आगे जा सकते हैं, और अगर कुछ हो तो आप इसके ऊपर डिस्प्यूट भी उठा सकते हैं। इसका आंसर आपका 110% ले है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर सबसे कम होगा विंटर्स में, ठीक है। अगर हम अभी का देखें यार, ये क्वेश्चन तो आ सकता है फिर से, क्योंकि अभी आपको पता है क्या जो बॉर्डर है चाइना के साथ लेह लद्दाख का, उसमें क्या दिक्कतें हैं, तो यही तो कह रहे थे कि वहाँ पे जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ऊपर जाएंगे जब आप विंटर्स में, जब आपकी ठंड होती है, हाँ तो ठीक तो कह रहे हैं वो, ठीक है, लंग्स को एक्सपैंड करना पड़ता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है क्योंकि एयर कम होती है वहाँ पे, हाँ तो इसका आंसर आपका ले है प्रखर जी, आप बिल्कुल ठीक थे, इसका आंसर आपका ले है बिल्कुल। तो ये आंसर की में भी गलत हो जाता कभी कभार, ठीक है, जिसने आंसर की बनाई वो कुछ और सोच रहा होगा, वो उसने या तो विंटर की जगह समर सोच लिया, कुछ ऐसा होगा। अब कुछ आपकी थ्योरीज है कि अर्थ कैसे फॉर्म हुई थी, अर्थ कैसे फॉर्म हुई थी, तो ये आपको थ्योरीज पता होनी चाहिए, डायरेक्ट मैं इसका आपका आंसर बता रहा हूँ किसने कौन सी थ्योरी दी है, ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या है, इसका आंसर आपका ए है। अब देखते हैं ए क्या होगा, मतलब प्लैनेटेसिमल किसने दी थी आपकी, चैम्बरलिन ने, ये तो बहुत ईजी है, प्लैनेटेसिमल की एक बहुत बड़ा सा प्लैनेट था वो टूटा और आपस में ऐसे प्लैनेट बना। बी का फोर यानी थर्मल कॉन्ट्रैक्शन आपकी जेफरीज ने दी थी, ठीक है, कि थर्मली हीट इतनी ज़्यादा थी कि ऐसे आते आते पास एक उसमें बन गए, जूनो जियोसिक्लिकल ओरिजिन थ्योरी, ये वन कभी भी ना आपसे थ्योरी का बेसिस नहीं पूछेगा, बहुत ये एक ओल्ड सवाल हो चुका, ये पूछेगा किसने कब थ्योरी दी। हिपोथेसिस ऑफ स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट, ये आपके डेली ने दी, आपको बताया ना, कहते हैं कि पूरा जो वर्ल्ड था वो पहले एक तरीके का एक पूरा लैंड मास था, अलग अलग हुआ, क्योंकि कहते हैं कि अगर आप वर्ल्ड के पजल्स बनाएं उसको ज्वाइन करें तो वह फिर भी एक पूरा एक अपने आप एक कंसोलिडेटेड लैंडमास बन जाएगा, ठीक है। और इस थ्योरी के और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि साउथ अमेरिका में जो आपकी वाइल्ड लाइफ पाई जाती है और जो अफ्रीका में वो सिमिलर है, जो सारा डेजर्ट में बहुत सारी चीज़ें पाई गई हैं ऐसे, लाइक आपका वेल का कार्कस जो अब क्या आपका दूर दूर तक ओशन नहीं है, तो कहा जाता है कि वहाँ पे पहले ओशन होता था, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें
ऐसे आपके हॉट रीजन पे पाए गए हैं जो सिर्फ आपके ठंडी जगहों पे पाई जाती है। लाइक आपका जो कोल है, जो आपका ठंडी जगहों पे कोल जैसा पाया जाना चाहिए, वो आपको बहुत सारे डेजर्ट पे भी पाया गया है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। थर्मल कॉन्ट्रैक्शन, सबसे पहले प्लैनेटेसिमल चैम्बरलेन, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन जेफरीज, जियोसिक्लिकल ओरिगन कोबर, और हाइपोथेसिस ऑफ स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट डेली। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये फिजिक्स केमिस्ट्री चल रहा है। ओके, हाँ ये अच्छा है, एक्सप्लेन करने लायक कुछ नहीं है इसमें, तो मैं आपको सीधा आंसर बता रहा हूँ इसका, और इसके थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। 35th का है आपका सी। ठीक है, सी है। अब इससे देखते हैं इसका क्या मतलब है। सी मतलब ए का मतलब टू। ये टाइप ऑफ क्लाउड है, ये आपके टाइप ऑफ क्लाउड हैं, और ये इनका कैरेक्टरिस्टिक्स है। लाइक आपका सिरस जो क्लाउड होता है, आपका फेदरी आपका अपेयरेंस होता है, यानी एक पंख ही तरह लगता है, बहुत पतला सा ऐसा लगता है, बहुत पतला सा क्लाउड है, और बहुत ज़्यादा थिन पतला और आपका लाइट वेट का क्लाउड रखता है अपेयरेंस में। इट इज़ ऑफ अ फेदरी एक्सपीरियंस अपेयरेंस। तो अगर आपसे कभी सिरस के ऊपर क्वेश्चन आया, तो एक स्टेटमेंट दिया होगी कि फेदरी अपेयरेंस है, थिन है, तो आपको येस उस पर मार्क करना है। स्ट्रेटस क्लाउड यानी बी का 4, या हॉरिजॉन्टली स्प्रेडिंग, यानी आप ये आपका ऐसे बनता है क्लाउड, ये आपका ऐसे बनेगा क्लाउड, ऐसे हॉरिजॉन्टल, सॉरी क्या कहते हैं उसे, ये तो आपका वर्टिकल हो गया, मैंने किसी और को बता दिया, ये आपका वर्टिकल हो गया ना, हाँ हॉरिजॉन्टल स्प्रेडिंग, यानी मोटा होगा लेकिन स्प्रेड होता रहेगा, ऐसे स्प्रेड होता रहेगा। निम्बस, निम्बस का मतलब क्या हुआ आपका, सी रेन गिविंग क्लाउड, यानी जो बारिश आती है वो आपके निम्बस क्लाउड से आती है, जो बारिश आती है वो आपके निम्बस क्लाउड से आती है, निम्बस मतलब यानी आपका रेन। अब एक और आप ऐसा आ सकते हैं, अगर किसी ने हैरी पॉटर देखे हो, तो हैरी पॉटर जिस टिक पे बैठता है उसका भी नाम आपका निम्बस 2000 होता है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं जो बारिश आती है जिससे, क्योंकि आपको कुछ सीन्स आपको याद होगा वो बारिश में भी जाता है ऊपर उड़ते हुए। और आपका क्यूमुलस क्लाउड, क्यूमुलस क्लाउड आपका बहुत आसान है, ये जो आपका वर्टिकली स्प्रेड होता है, क्यूमुलस मतलब आपका ऐसे, तो कुछ क्लाउड्स होता है लाइक आपका क्यूमुलोनिम्बस। क्यूमुलोनिम्बस में क्या मतलब क्या हुआ, वो वर्टिकल क्लाउड जो आपका बारिश देता है वो आपका क्यूमुलोनिम्बस होगा, क्यूमुलोनिम्बस। वो आपका हॉरिजॉन्टल क्लाउड, वो आपका हॉरिजॉन्टल क्लाउड जो आपका हमें बारिश देगा वो क्या होगा आपका स्ट्रेटोनिम्बस। वो हॉरिजॉन्टल क्लाउड जो हमारे को बारिश देगा वो क्या होगा आपका स्ट्रेटोनिम्बस। तो कभी कभार ये भी पूछा जाता है, मैं बता रहा हूँ, क्यूमुलोनिम्बस वर्टिकल रेन गिविंग क्लाउड, स्ट्रेटोनिम्बस हॉरिजॉन्टल रेन गिविंग क्लाउड, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर से करते हैं, सिरस फेदरी अपीयरेंस यानी पतला सा पंख जैसा लगता है, स्ट्रेटमस मतलब आपका हॉरिजॉन्टल, निम्बस मतलब आपका कौन सा हुआ रेन गिविंग, और क्यूमुलस मतलब वर्टिकली ग्रोइंग। क्यूमुलस निम्बस जो कि आपका वर्टिकली रेन गिविंग क्लाउड होगा, स्ट्रेटोनिम्बस जो आपका हॉरिजॉन्टल रेन गिविंग क्लाउड होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सक्लूसिव राइट ऑफ द कंसर्न्ड कोस्टल नेशंस ओवर द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स। देखिए, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वो होता है जो आपकी जैसे आपका लैंडमास खत्म हो गया, या आपका लैंडमास इंडिया का खत्म हो गया, लेकिन इंडिया आपके 12 नॉटिकल माइल्स जो कि लगभग आपके 19 to 26 किलोमीटर के बीच में होती हैं, इतना आपका और होता है ओशन, यानी इंडिया का लैंडमास यहाँ ख़त्म, तो इंडिया का ये नहीं कि सिर्फ यहीं तक, इंडिया 12 नॉटिकल माइल्स और आगे आके इतना जो पूरा पोर्शन है ये केवल और केवल इंडिया ही कंट्रोल कर सकती है आपके किसमें पानी का, ये पूरा पानी का पोर्शन भी सिर्फ इंडिया का है, और उसमें अगर किसी और कंट्री आ रही है कोई और कंट्री, तो उसे इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम आपके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में से पास हो रहे हैं। ये एक तरीके से होगा कि आप इंडिया के लैंड से पास हो रहे हो, तो आप लैंड से पास हो रहे हो तब भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, वैसे अगर आप इससे भी पास हो रहे हो तब भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये भी एक तरीके के इंडिया का ही बाउंड्री है, इंडिया की लैंड बाउंड्री तो यहाँ से ख़त्म है, लेकिन वैसे अगर हम देखें तो इंडिया की वाटर बाउंड्री 12 नॉटिकल माइल्स आगे ख़त्म होती है जाके, 12 नॉटिकल माइल्स आगे जाके ख़त्म होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। कह रहा है कि कंसर्न्ड कोस्टल नेशंस का क्या राइट होती है, मतलब इनमें से कौन सा राइट नहीं है, ये बहुत ध्यान रखना। नॉट लगा यहाँ पे, सर्वे एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज ऑफ ओशन डिपॉजिट्स,
क्या ये कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, ठीक है, बिल्कुल कर सकती है। कि यहाँ पे यार जो रिसोर्सेज हैं, अब देखो इंडिया की माइंस में जो रिसोर्सेज पाए जाते हैं वो इंडिया के, वैसे ही जो इंडिया के ओशंस में रिसोर्सेज पाए जाएंगे वो भी इंडिया के, तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक्सप्लॉयटेशन मरीन वाटर एनर्जी बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, ठीक है, इंडिया इसी में फिशिंग कर सकती है, इंडिया इसमें जाके एनर्जी जनरेट कर सकती है, हाइड्रल पावर प्लांट लगा सकते हैं, बिल्कुल ठीक कहा। कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मरीन रिसोर्सेज बिल्कुल कर सकती है, इंडिया पे कंजर्व कर सकती है। नेविगेशन ऑफ शिप्स एंड लेइंग डाउन सबमरीन केबल्स, जी नहीं ये नहीं कर सकती इंडिया, इंडिया और कोई भी और कंट्री ये नहीं कर सकती, बिकॉज इसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी जो अथॉरिटीज होती हैं, ठीक है, थीके? क्योंकि ये नहीं है कि आप किसी और शिप को यहाँ पे नेविगेट नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं है, आपको परमिशन देनी पड़ेगी। जैसे अब हम USA जाते हैं तो हमारी फ्लाइट जो तो पाकिस्तान के ऊपर से उड़ के जाती हैं, तो उसके लिए पाकिस्तान मना करते हैं हमारे को, तो वही बात है, तो इसलिए भी आप दूसरी शिप्स को मना नहीं कर सकते, ठीक है, ये सिर्फ एक्सक्लूसिव राइट नहीं है। और दूसरा, सबमरीन केबल्स भी लगाए जा सकते हैं पूछ के। जैसे देखो यार बहुत कंट्रीज होती हैं जो कि बहुत दूर दूर उनके कॉन्टिनेंट्स हैं, जो उनके आइलैंड्स हैं, तो अगर उन्हें कनेक्ट करना है एक दूसरे को तो उन्हें सबमरीन केबल्स लगाने पड़ेंगे, जैसे अभी इंडिया ने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को कनेक्ट करा है आपके सबमरीन केबल्स से, ताकि वहाँ पे नेट आए अच्छे से। तो ये एक एक्सक्लूसिव ऐसी राइट नहीं है, ठीक है, ये आपकी एक एक्सक्लूसिव राइट नहीं है। तो ये पहली तीन तो है लेकिन ये फोर्थ नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इट इज़ नॉट द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ द नेशन, ये आपकी एक्सक्लूसिव राइट नहीं है, इट इज़ नॉट द एक्सक्लूसिव राइट, ओके। अगला 36 देखें, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज द इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट बीन इंप्लीमेंटेड एज अ पायलट इन्वेस्टमेंट। पहली ध्यान से चीज आपको ये देखनी है कि चलो इसमें तो सारे ऑप्शन आपको कोस्टल दिए हैं, इसमें तो सारे ऑप्शन आपको कोस्टल दिए हैं, तो आप चलो आपको लिए थोड़ा कम मुश्किल कर दिया इन्होंने, लेकिन फिर भी बहुत बार एग्जामिनर आपसे खेलता है, वो बीच में कहीं पे कैसी स्टेट डाल देगा जो उसमें कोस्ट लगता ही नहीं। जैसे अगर मैं बीच में ऐसे यहाँ पे झारखंड डाल दूँ तो वो वाला ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा, वो वाला ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरी चीज़ इंडिया के ज़्यादातर जो इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, इंटीग्रेटेड जोन कोस्टल मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, वो ऐसी जगह पर चलेंगे जहाँ पे एसेट्स को खतरा कम हो और जहाँ से आपके मेन ओशन बहुत नज़दीक हों, ठीक है। अब आते हैं वापस, केरला नहीं, मेरे ख्याल से नहीं, ठीक है, क्योंकि पहले ही वो वहाँ पे एक बहुत ही इकोलॉजिकली सेंटर्ड जोन है, और गोवा भी अपने आप में इतना ज़्यादा उसका कोस्ट छोटा है, और वैसे भी उसका कोस्ट तो पूरा टेकन ओवर है बाय टूरिज्म, तो केरला एंड गोवा हो नहीं सकता लॉजिक से अगर मैं बोलूँ, तो इसलिए ये वाला मैं कट करूँगा। देखो क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, लेकिन आप सारे अपनी इन्फॉर्मेशन और जो आपका ब्रह्मांड और जो आपने एक भंडार बनाया है ना अपनी नॉलेज का, आप उसमें बहुत चले जाते हो, आप नॉर्मल लॉजिक यूज़ ही नहीं करते हो। मैं बात करूँ केरला, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की, केरला मैंने आपको पहले बता दिया हो नहीं सकता, जब केरला नहीं हो सकता तो आपका कर्नाटक और आंध्र प्रदेश भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि केरला अपने आप में पहले एक बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है। वहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर दिया, वहाँ पे बारिश वैसी इतनी आती है, वहाँ पे फ्लड आ गया तो मेरा तो सारा प्रोजेक्ट ख़राब ना, तो मैं पहली बार तो अपने पैसों को जहाँ इन्वेस्ट करूँगा मैं ये देखूँगा ना कि कहाँ पे सेफ्टी है मेरे पैसों को, कहाँ पे मेरे प्रोजेक्ट को लगाने में सेफ्टी है, तो ये भी आपको सोचना है। इसको कहता हूँ मैं इंटेलिजेंट गेसिंग टेक्निक, ये कुछ चीटिंग नहीं है, इसको हम IGT कहते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग टेक्निक, सिंपल सी बात है। महाराष्ट्र, आंध्र और आपका तमिलनाडु, देखो तमिलनाडु में भी फ्लड आया था, चेन्नई में बहुत मैसिव फ्लड आया था जब आपकी बारिश आई थी, प्लस महाराष्ट्र का जो कोस्ट है वो थोड़ा सा अनसेफ माना जाता है क्योंकि वहाँ पे आपको 2008 का अटैक हुआ था, तो मैं ऐसा कोस्ट चूज करूँगा जहाँ पे पहली बात जो मेरे लगूंस फिर जो रिसोर्सेज हैं बहुत आराम से मिल जाए, प्लस वहाँ पे जो पोर्ट्स हैं वो बहुत आराम से हों, तो इसलिए मैंने गुजरात, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल को चूज़ करा है इस प्रोजेक्ट के लिए। मैंने नहीं, ये सरकार ने भी यही पीछे इसकी यही सोचो कि गुजरात, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल को चूज़ करेंगे हम इस प्रोजेक्ट के लिए, पायलट प्रोजेक्ट है ना, पायलट प्रोजेक्ट है, इसमें चल जाएगा तो बाकी स्टेट पे भी एक्सपेंड होगा, लेकिन पायलट का मतलब क्या होता है, आपको इनिशियली ये दिखाना है कि हाँ ये प्रोजेक्ट बहुत बेहतरीन है, और दिखाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है कि आपको वही चीज़ करनी है जो दूसरी स्टेट्स मांगती हैं।
जब आप कोई भी नई चीज़ स्टार्ट करते हो तो पहले तो पूरी जान फूंक देते हो ना, ताकि जिन्होंने आपके साथ इनिशियली आपका साथ दिया उनको देखे देखे और भी लोग आए, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर आपका गुजरात, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल होगा। सिंपल सी चीज़ थी, कोई इसके पीछे का ऐसा कोई ऐसा लॉजिक नहीं था, बस सिंपल सी चीज़ थी कि हाँ पैसा वहाँ इन्वेस्ट होगा जहाँ पे पैसों का आउटपुट अच्छा है और बाकी स्टेट्स को हम दिखा पाएं कि हम ये करना चाहते थे। ओके, अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल वाटर अकेडमी इज आर करेक्ट। नेशनल वाटर अकेडमी बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि आपको पता है पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए एक बहुत अच्छा हो जाता है। पहली बात इसके बारे में चीज़ें पढ़ते हैं, क्या है 38th क्वेश्चन है 38 का। पहली चीज, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल वाटर अकेडमी इज टू फंक्शन एज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ट्रेनिंग फॉर इन सर्विस इंजीनियर्स फॉर सेंट्रल एंड स्टेट ऑर्गेनाइजेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ वाटर रिसोर्स प्लानिंग। बिल्कुल ठीक का, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हाँ यही करना है हमारे को। सॉरी मैं सीधा आंसर पे लगा दिया। बिल्कुल ठीक कहा है कि हाँ यही है। दूसरा, द नेशनल वाटर अकेडमी इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। अब देखो ये है चीज़ मैं पहले बता दूँ, ये आपका न्यू दिल्ली नहीं है। मेरे को कोई ये बताए कि आपकी नेशनल वाटर अकेडमी कहाँ है, नेशनल वाटर अकेडमी आपकी कहाँ स्थित है, मेरे को ये बताए वेयर इज नेशनल वाटर अकेडमी। Where is National Water Academy? यहाँ आपके पुणे में स्थित है, पुणे महाराष्ट्र। ठीक है, दूसरा एक और आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसे सेटअप किसने करा। इसे सेटअप करा गया है आपके सेंट्रल वाटर कमीशन यानी CWC, सेंट्रल वाटर कमीशन द्वारा इसे स्थित करा गया है। नहीं, मोहम्मद आसिक, इट्स नॉट इन वैजाग, इट्स इन पुणे महाराष्ट्र, और इसे स्थापित करा गया है आपके सेंट्रल वाटर कमीशन CWC द्वारा। तो आपसे, चलो यार सोचो, इस साल क्वेश्चन आ गया, इस साल आपसे लोकेशन ना पूछ के बोल ले किसने करा है। आपको नीति आयोग जहाँ दिखता है ना, आप बच्चों को होता है यार सर 10 में से 8 चीज़ें तो आजकल नीति आयोग कर रही है, तो भागते ही आप सीधा नीति आयोग पर आंसर लगाते हो, भागते ही आप सीधा नीति आयोग पर आंसर लगाते हो, जो कि गलत है। इसको नीति आयोग ने नहीं करा, इसको नीति आयोग ने नहीं करा। नीति आयोग ने एक आपकी वाटर कंजर्वेशन की ऊपर एक रैंकिंग निकाली थी, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होना, नीति आयोग ने ऐसा नहीं करा। इसको करा गया आपके सेंट्रल वाटर कमीशन द्वारा, जो कि आपके पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, और इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि वाटर कंजर्व कैसे करना है, जो उससे रिलेटेड इंजीनियर्स हैं उनको ट्रेन करना है, उनको ट्रेन करना है। फिजिक्स हमेशा बहुत इजी आती है, कुछ ऐसा है नहीं। आगे चलते हैं, ये वाला तो नहीं है। हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन टू इट्स टोटल पॉपुलेशन। ये 2011 का सेंसस, मैं सेंसस चलो करवा देंगे एक दिन, वैसे मैं क्लास करवा चुका हूँ यूट्यूब पे प्लस स्पेशल क्लासेस में भी। तो सेंसस के अकॉर्डिंग कौन से राज्य की जो आपकी शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है, ठीक है, वो उसकी हाईएस्ट पॉपुलेशन है, हाईएस्ट परसेंटेज, यानी अगर मेरे एक स्टेट की पॉपुलेशन 100 है तो किस राज्य में 100 में से मान लो एक्स परसेंट सबसे ज़्यादा है। ये जो एक्स है ये सबसे ज़्यादा किस में है, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय या आपका अरुणाचल, सबसे ज़्यादा कहाँ पर है। 42 का आंसर या आपके मिजोरम में है, मिजोरम में है, ठीक है। ये आपका एक डायरेक्ट क्वेश्चन था सेंसस से, तो आपका सेंसस पता होना चाहिए। सेंसस से हर साल भलिया कोई भी पेपर ले लो, 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है डायरेक्ट। तो ये सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चन है। सेंसस के मुताबिक मिजोरम में सबसे ज़्यादा आपकी जनजाति पॉपुलेशन है, परसेंटेज पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा आपकी मिजोरम में है, मिजोरम। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। ये इसलिए भी आया था क्योंकि आपने सुना होगा एक आपका ना ब्रू करके एक ट्राइब है, ब्रू, तो उससे भी रिलेटेड इशू चल रहा था, तो इसलिए भी ये मिजोरम न्यूज़ में था। तो ये भी उससे भी क्वेश्चन आ सकता है, ब्रू ट्राइब, जैसे नहीं पता वो जाके नेट पे पढ़ना कि ब्रू ट्राइब का क्या है वो था। एक्सट्रूसिव वोल्केनोज आर नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स। एक्सट्रूसिव मतलब क्या होता है, आपका जो बाहर निकली होती है। देखो दो तरीके की वोल्केनो होती है, एक जो इंट्रूसिव है, जो आपका ऐसे है अंदर, और ये आपका ग्राउंड है, ये आपका ग्राउंड है,
जब आप ग्राउंड से अपना लावा फेंकती है, दूसरी होती है जो आपका ग्राउंड जो बाहर निकली होती है, जो बाहर निकली होती है, और ये आपका ग्राउंड है। तो ये आपकी कौन सी होगी, दिस इज योर इंट्रूसिव एंड दिस इज योर एक्सट्रूसिव एक्सटीरियर। तो बताइए अलास्का, रॉकी, एंडीज, हिमालयस, बताओ। यह तो बहुत आसान है, क्या कभी हिमालय में सुना है, क्या कभी हिमालय में सुना है कि वहाँ पे आपकी वोल्केनो ब्लास्ट हो गया? क्या कभी सुना है कि इंडिया में एकलौती दो वोल्केनो, वो भी आपके अंडमान निकोबार आइलैंड में, कभी हिमालय का नाम सुना है वोल्केनो के लिए? तो बिल्कुल नहीं, हिमालयस में आपकी एक भी एक्सक्लूसिव वोल्केनो नहीं है, एक भी एक्सक्लूसिव वोल्केनो नहीं है। अलास्का में है, रॉकी में, एंडीज में है, लेकिन हिमालय में नहीं है, इसलिए इसका आंसर आपका हिमालय हो जाएगा। नॉट पूछा यहाँ पे, नॉट। इसमें आप बताओ इसमें क्या पढ़ने की जरूरत है, ये तो सिंपल सी चीज़ है। इसको कहते हैं इंटेलिजेंट गेसिंग, इसको कहते हैं इंटेलिजेंट गेसिंग टेक्निक। कुछ ऐसा नहीं है इसमें कि आपको पता है या नहीं पता, सिंपल चीज़ है। क्या आप कभी सुना है हिमालय में वोल्केनो के बारे में? कभी नहीं सुना होगा, सुना है तो मतलब अब ये आप कौन सी अलग दुनिया में जी रहे हो, ठीक है। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज नॉट कल्टिवेटेड इन करेवास, द लैकेस्ट्राइन डिपॉजिट ऑफ सैंड, सिल्ट, क्ले, लोम एंड बोल्डर्स। मैं पहले आपको बता दूँ, देखो पहले आपको बता दूँ, करेवा आपकी जो सॉइल होती है, अभी हमने ग्लेशियल पढ़ा था, ग्लेशियल ट्रफ पढ़ा था, जब आपकी बर्फ पिघल जाती है तो सॉइल के साथ मिलके बर्फ एक ना काले रंग की मिट्टी बनाती है, उसे हम आपका करेवा कहते हैं, और ये आपके जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है, जम्मू एंड कश्मीर की यूटी में। और इसमें जो सैफरन उगता है ना, जैसे हम काला सैफरन या काला केसर या करेवा सैफरन बोलते हैं, उससे हाल फिलहाल में आपका GI टैग मिला है, यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है, ठीक है। अब ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग क्या होता है, इससे ये बात की बात है, कभी पढ़ लेंगे, लेकिन सिंपल ये चीज़ समझो कि सैफरन को आपके जो करेवा सैफरन है जम्मू कश्मीर का, उसे आपके GI टैग मिला है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मैंने पहले आपकी मदद कर दी कि हाँ ये सैफरन तो वहाँ नहीं, मतलब ये नहीं है कि इट इज़ नॉट कल्टिवेटेड, इट इज़ कल्टिवेटेड, तो सैफरन तो उगाया जाता है। दूसरी चीज़ आपको पता होगा, कश्मीरी जो बादाम और कश्मीरी जो आपके अखरोट है बहुत फेमस है। आपको पता होगा कावा जो होता है वहाँ पे बहुत बनाया जाता है, लेकिन लिंग नट नहीं वहाँ उगाया जाता, लिंग नट नहीं उगाया जाता, इसलिए इसका आंसर आपका डी है। आपने पढ़ा होगा ना, आपका आपने कावा सुना होगा, कश्मीरी कावा, कश्मीरी, अगर आप कभी कश्मीर गए हैं जाना भाई ज़रूर, बहुत सुंदर जगह है, स्विट्जरलैंड ऑफ द ईस्ट कहते हैं उसे, ठीक है। जो कावा होता है उसमें आपका केसर, बादाम, अखरोट, ये सब बहुत अच्छी क्वांटिटी में डाला जाता है। तो इससे भी आपको सिंपल लगा सकते हैं कि भाई देखो सैफरन तो उगाया जाता है, वॉलनट और आलमंड भी, लेकिन लिंग लट नहीं उगाया जाता, तो इसके लिए इसका आंसर आपका डी है। करेवा मैंने बता दिया, जब आपकी बर्फ पिघलती है तो वो मिट्टी के साथ मिल जाती है, जो पिघली भी पीछे होगी, और वो फिर आपकी जो तो सॉइल बनाती है ना, वो आपकी करेवा सॉइल होती है, वेरी फर्टाइल, वेरी एलुवियल, और बहुत अच्छी होती है, उसमें सैंड, क्ले, लोम, सिल्ट बहुत अच्छे होते हैं, पत्थर भी होते हैं, लेकिन पत्थर टूटे हुए फॉर्मेट में, इसलिए वहाँ पे सैफरन बहुत अच्छा उगाया जाता है, और वहाँ के जो करेवा सैफरन उसे आपका GI टैग मिला हुआ है, तो इसलिए भी आपको ये ध्यान रखना है। अगला, वे कंसिडर द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, ठीक है, गंगा की ये ट्रिब्यूटरीज है, गंडक, कोसी, घाघरा, गोमती, इसको हमने ईस्ट टू वेस्ट लगाना है, यानी ईस्ट टू वेस्ट का मतलब यहाँ से शुरू करके हमें यहाँ तक जाना है, यहाँ से शुरू करके हमें यहाँ तक जाना है। तो चलो बताओ क्या होगा इसका, इसका क्या होगा, इसका आंसर सिंपल सा दिख रहा है मेरे को, मैंने ऑप्शन एलिमिनेशन से लगाया कि इसका आंसर बी होगा, यानी सबसे ईस्ट में आपकी कोसी आएगी, फिर आपकी आएगी गंडक, फिर आपकी आएगी घाघरा, और फिर आपकी आएगी क्या, गोमती। अब देखो कैसे कैसे, देखना ध्यान से देखना, मेरे को पता है कोसी को हम आपके सौरव ऑफ नेपाल कहते हैं, कोसी को हम आपके सौरव ऑफ नेपाल कहते हैं, सौरव ऑफ नेपाल का मतलब जो नेपाल का दुख है। कोसी नेपाल के बिल्कुल इंडिया नेपाल के बॉर्डर से पास होती है, बहुत कोने में है नेपाल के, ठीक है। तो ये तो मेरे को पता है कि भाई ये टू वाला तो सबसे ईस्ट वाली ही होगी, क्योंकि गंडक, घाघर और गोमती के आगे कोसी नहीं है, कोसी के पीछे ये गंडक, घाघर और गोमतियाँ। अगर आपने कभी भी रिवर का मैप देखा हो, मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे, अगर रिवर का मैप
दो मिनट रुक जाओ। हाँ ये रहा। देखिए कोसी कहाँ है आपकी? कोसी आपकी ही है, बिल्कुल नेपाल के कोने से निकलती है। मेरे को पता है गंडक, घाघर और गोमती आपकी हमेशा इस साइड है। गंडक, घाघर और गोमती आपकी इस साइड है। चलो तो कोसी मेरी वो होगी। अब देखो ऑप्शन एलिमिनेशन का मैंने कैसे यूज करा, मेरे को पता था कि मेरे से वही नदी आगे आ सकती है तो ईस्ट में कोसी हो, तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ठीक है ओके। दूसरा मेरे को ये पता है अगर मैं देखूँ इसे कि लखनऊ, और वैसे भी मेरा फोर्थ ऑप्शन मेरा एंड में ही आ रहा है, तो मेरा चलो इसने और काम आसान कर दिया कि मेरा जो तुक्का था वो सही निकला कि गोमती मेरी एंड में लखनऊ के पास है और लखनऊ यूपी में है, लखनऊ आपका यूपी में है, तो भी आपका ध्यान रखना है। अब गंडक और घाघरा में क्या करेंगे? गंडक और घाघरा में या तो आप चांस ले लो, या तो आप चांस ले लो नॉलेज, ये आपका 2018 का CDS 1 का पेपर है, यहाँ पर 2018 का CDS 1 का पेपर है। देखो या तो आप गंडक और घाघरा में चांस ले लो या फिर आप अपने और लॉजिक पे काम करो। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, गंडक, गंडक और घाघरा में डिफरेंस ये है कि घाघरा आपका बाहर से आता है, घाघरा आपका बाहर से आता है। अगर मैं आपको फिर से दिखाऊं, ध्यान से देखना, जैसे एक बार आपके दिमाग में मैप बैठ गया ना तो आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे चीज़ को। ये देख ध्यान से, घाघरा आपके ये तिब्बत से आ रहा है, तिब्बत से आ रहा है, ठीक है, ये आपके तिब्बत से आ रहा है और गंडक आपके नेपाल से आ रहा है, गंडक आपके नेपाल से आ रहा है, घाघरा आपके तिब्बत से आ रहा है। अब मेरे को एक चीज़ पता है कि भाई जो चीज़ नेपाल से आ रही होगी वो ऑफकोर्स ही बात है, पहली बात, ठीक है, जो चीज़ तिब्बत से आ रही है जो नेपाल से, ध्यान से देखना, ठीक है, जो चीज़ मेरी नेपाल से आ रही है वो मेरी ज़्यादा ईस्टर्न कोस्ट की तरफ होगी, यानी ईस्ट की तरफ होगी। क्यों? क्योंकि तिब्बत पहले आ गया और नेपाल बाद में आया, तो उसी लॉजिक से फिर मैंने 2134 कर दिया, मैंने 2134 कर दिया कि पहले आपका कौन सा होगा, कोसी, फिर गंडक, फिर घाघरा और फिर आपका गोमती। ये आपको ध्यान देना, ठीक है। चलो ये भी बहुत आसान है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स बाय इंडिया डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को, ये तो मैं काफ़ी बार करवा चुका हूँ। क्योला दियो नेशनल पार्क, सुंदरबन, काजीरंगा या रणथंभौर नेशनल पार्क, बताइए। 46 रणथंभौर को छोड़ के ये बाकी तीनों हैं, क्योला दियो, घाना, सुंदरबन और आपका काजीरंगा नेशनल पार्क, तीनों आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में आते हैं, तीनों आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। काजीरंगा सुंदरबन और नेपाल, क्योला दियो घाना राजस्थान में, सुंदरबन आपका वेस्ट बंगाल में, काजीरंगा आपका आसाम में और आपका रणथंभौर आपका राजस्थान में, ठीक है। इंडिया के टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आपकी 38 हैं, 38 आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, ठीक है। बाकी इसके आगे के क्वेश्चन हम कल करेंगे, आज के लिए केवल इतना ही। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये जो यहाँ पे आपके यू नो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने, ये असल क्वेश्चन हैं। बहुत सारी जगह मैंने देखा है ऐसा बोलता है, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स अपने खुद के क्वेश्चन बनाए हुए कहते हैं कि ये CDS में आया हुआ है इस साल का। आपको मैं अगर बोल दूँ यार 1991 का, पहली बात आप सोचोगे सर बोल रहे हैं, ठीक है सर्च करोगे नहीं जाके, लेकिन वो क्वेश्चन सही होते हैं। मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कि यार क्या लेवल है, अच्छा लेवल है बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है बहुत आसान है लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं है, अच्छा खासा लेवल है। जिसने थोड़ी डेप्थ में स्टडी करी है वो कर लेगा, जिसकी ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक बहुत स्ट्रॉन्ग है वो ज़रूर कर लेगा, लेकिन जो बच्चा से बुकिश नॉलेज पे होगा, जो बच्चा से बुकिश नॉलेज पे होगा यार, उसके लिए ये क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल है। तो बस यही करते रहिए, ऐसे बने रहिए, कल और अच्छे क्वेश्चन करेंगे, कल मैं और क्वेश्चन लेके आऊँगा इसी के, इसी पेपर को कम्प्लीट करेंगे। इसके बाद फिर मैं आपका 2018 का पेपर 2 सॉल्व कराऊंगा। देखो 2018 का एनालिसिस ये था कि पेपर मुश्किल आया था, पेपर मुश्किल आया था इसलिए आपकी कट ऑफ भी थोड़ी कम गई थी, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं था कि आप ना कर पाओ, ठीक है। तो जिसको डर लगा पेपर देख के, डरने की बात नहीं है, अपने पेपर की तैयारी को और एक स्टेप फर्दर लेके जाने की ज़रूरत है। जिस टॉपिक में डाउट था मैंने पहले बता दिया, जो वर्ड समझ में आया उस वर्ड को आप ज़रूर नीचे लिखें तो मैं आपको पूरा पूरा वो वर्ड समझाऊंगा। आशा करता हूँ आपका आज का दिन काफ़ी अच्छा जाएगा। तो इससे पहले
जय हिंद, जय भारत, भारत माता के वंदे मातरम, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।